कोरोना वायरस ने हर तरफ त्राही त्राही मचा रखी है और लोग इससे बचने के नए नए तरीके अपना रहे हैं। कोई सैनिटाइजर का प्रयोग कर रहा है तो कहीं मास्क लगाकर अपने आप को बचाने की कोशिश की जा रही है। वहीं अब भगवान के दर पर भी कोरोना का डर लोगों को सताने लगा है। जी हाँ, जहाँ लोग भगवान के मंदिर में नहीं जा पा रहे तो घर घर हवन कर कोरोना के महाप्रकोप को भगाने का जतन कर रहे हैं। धौलपुर में स्थित कैला कॉलोनी के लोग अपने घरों के बाहर हवन कुंड बनाकर उसमें आहुतियां दे रहे हैं और भगवान से कोरोना महामारी को खत्म करने की प्रार्थना कर रहे हैं। बच्चों से लेकर व्यस्क और बुजुर्गों तक हर तरफ सुनाई दे रहा है तो कोरोना का नाम। जिधर भी कान लगाकर सुनो उधर कोरोना वायरस का नाम ही सुनाई पड़ रहा है। कोरोना वायरस का डर लोगों के अंदर इस कदर बैठ गया है कि लोग घर से निकलने में मास्क के साथ साथ सैनिटाइजर का भी जमकर प्रयोग कर रहे हैं और इसी वजह से बाजार में सैनिटाइजर की मांग भी बढ़ गई है। इंसान तो इंसान, अब भगवान को भी कोरोना वायरस का डर सताने लगा है और यही वजह है कि विभिन्न मंदिरों के पुजारी भी सैनिटाइजर और मास्क का प्रयोग कर रहे हैं। हवन कर रहे लोगों ने ये भी बताया कि हवन सामग्री में आयुर्वेद से जुड़ी जड़ी बूटियां मिलाई गई हैं और साथ ही सामग्री में जावित्री, जायफल, लौंग, काली मिर्च, सूखा आंवला, नीम, तुलसी पत्ता, गिलोय की लकड़ी, गाय का देशी घी, गुड़ व समी वृक्ष की समिधा का प्रयोग किया गया है। लोगों का ऐसा मानना है कि एक बार हवन से घर को एक सप्ताह में किसी भी प्रकार के वायरस से मुक्त किया जा सकता है। मंदिरों में भी कहीं सैनिटाइजर का प्रयोग किया जा रहा है तो कहीं नोटिस चस्पा कर लोगों से मंदिर में प्रवेश न करने की अपील की जा रही है। कैला कॉलोनी के लोगों ने अपने घरों के बाहर हवन कर मंत्रोच्चार के साथ ईश्वर से यही प्रार्थना की कि जल्द से जल्द कोरोना के प्रकोप से मुक्ति मिल जाए। इतना ही नहीं, हवन में आहुति देने वाले हाथों को पहले सैनिटाइजर से धुलवाया गया। लोगों से अपील की जा रही है कि वे कोरोना वायरस के प्रकोप से बचने के लिए मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करें। हवन कर रहे लोगों ने बताया कि यज्ञ में आहुति देकर वे कोरोना वायरस के प्रकोप से बचने और इसे खत्म करने की भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। धौलपुर संवाददाता शकील खान की रिपोर्ट।